ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। यौम आज़ादी मुबारक। 14 अगस्त एक यौम आज़ादी का दिन ही नहीं है बल्कि एक याद दहानी का दिन है। इस दिन बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी जदोजहद के बाद एक आज़ाद ममलकत हासिल की। कायदे आज़म के जो अकवाल हैं उसमें सबसे ज़्यादा इत्तेहाद, ईमान और तंजीम की जो है तलकीन की गई, और यही वो इकदार हैं जिनको लेकर कोई भी ममलकत आगे बढ़ सकती है। हम कोशिश ये करें कि अपने अपने दायरे इख्तियार में हर वो इकदाम करें जिससे कि पाकिस्तान के लिए तरक्की का इकदाम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज के मुतासरीन में पाकिस्तान इस टाइम बदतरीन ममालिक में शामिल है, तो पाकिस्तान का सब्ज़ परचम हमें सिर्फ सब्ज़ परचम तक नहीं महदूद रहना चाहिए बल्कि अब हमें इस सब्ज़ रंग को पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले तक फैलाना है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपनी नस्लों को साइंस से आशना कीजिए, इनको साइंस पढ़ाइए ताकि हम अपने मुल्क को मुल्क का जो चेहरा है वो दुनिया में बेहतर कर सकें। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इस पाकिस्तान को कायम रखे, आबाद रखे, शाद रखे। ए वतन, हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। ए वतन, हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। वुमेन यूनिवर्सिटी पाइंदाबाद। जिस तरह घर को बनाने के लिए ईंट, मिट्टी, गारे की ज़रूरत होती है, बैने ही उन लोगों ने अपने गोश्त, खून, पसीना और अपनी हड्डियों और अपनी जान और माल, अपनी इज्जतों को कुर्बान किया आज़ादी जैसी नेमत को हासिल करने के लिए। आज़ादी शख्सी हो या इज्तमाई, उसके हसूल के लिए कोशिश करनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है। इश्क पर कर दूँ फिदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। बहुत शुक्रिया। कि हमें चाहिए कि हम अपनी सफ़ों में मुत्तहिद हो जाएं, इत्तेहाद पैदा करें, इंतशार, फ़िरकावारियत और फसादात से जो है वो अपने आप को बचाएं। मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूँ, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूँ। मेरे वतन, शुक्रिया। मेरी तरफ़ से और मेरी तमाम टीम की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। ये दिन हमें ऐसे ही नसीब नहीं हुआ, इसके लिए लाजवाल कुर्बानियों की एक दास्तान रकम है। तो ख़ास तौर पर तलबा व तलबात को मेरी ये नसीहत है उनके वो पुरअज़्म हों कि वो हमारे मुल्क के लिए, उसकी तरक्की के लिए मेहनत, लगन और जाफशानी से काम करें ताकि वो तामीर मिलत में अपना किरदार अदा कर सकें। शुक्रिया। ये जदीद अहद का दिन है, ये वो दिन है जिस दिन हमें अहद करना है कि हमें अपने आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल के लिए मिल के जदोजहद करनी है और अपने मुल्क को, पाकिस्तान को ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी असूलों की रोशनी में चलाना है। पाकिस्तान जैसे बना है उसकी तस्वीर कशी ऐसे है कि नंगे पांव लोगों ने सफ़र किया, नंगे सर, भूखे पेट, अपने प्यारों को अपने सामने कटते हुए देखा, और जितनी मुश्किलात के दरिया अबूर करके लोग यहाँ तक पहुँचे, उनके हम शुक्र गुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे लिए सारी कुर्बानियाँ दी और आखिरकार हम फाइनली उस स्टेज पर मौजूद हैं कि हम एक आज़ाद वतन की एक आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। कि हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, तो हमारा सारी का सारा जो मेहनत करने का काम है वो कायदे आज़म के उसी कॉल में पिना है कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ईमानदारी से अपना काम करते जाएँ, इत्तेहाद से एक दूसरे के हाथ को थामे जाएँ और नज़्म व ज़ब्त को अपना शार बनाएँ, तो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। इस दिन बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के तसल्लुत से आज़ादी हासिल की और उसके बाद हम एक आज़ाद वतन हासिल करने में कामयाब हुए।
ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے ٹیچر جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دن کے حوالے سے جو اس پاکستان بننے کا جو مقصد تھا وہ ہم اس کو اجاگر کریں. میں تمام اہل وطن کو، ویمن یونیورسٹی کو، ویمن یونیورسٹی کے سٹاف کو، سٹوڈنٹس کو جشن آزادی مبارک کہتی ہوں. یہ 14 اگست ہمارے لیے ایک بہت اہم دن ہے. اس میں ہمارے بہت سے بزرگوں نے، ہمارے قومی ہیروز نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور یہ دن ہمیں ملا ہے. میں سب کو جشن آزادی مبارک کہتی ہوں. کھوئی جو زمین تم کو اماں کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو، اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو. آج تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جد و جہد سے ثابت کر دیا کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. آج کے دن ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک کی آزادی کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جب تک قوم کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرے گا، اس وقت تک ہماری آزادی پر آج بھی بیرونی اور اندرونی خطرات کی تلوار لٹکتی رہے گی. ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں، ہم تجھے آگ کا دریا نہیں بننے دیں گے، ظلم و نفرت کا تماشا نہیں بننے دیں گے، تجھ کو پالیں گے محبت کے گلستانوں میں. اے وطن، ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں میں. یوم آزادی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. آزادی کے اس موقع پر گزرتے لمحوں میں وفاؤں کا پاس رکھیں گے، مرتے ہوئے بھی تیری ہی پیاس رکھیں گے. تیرے کوچوں پہ نچھاور کر دینی ہے اپنی جوانی کی راحتیں، اپنی امنگوں کی چاہتیں، سب جذبوں کی سعادتیں. تیرا وجود ہی میرا وجود ہے، تیرا قیام ہی میرا قیام ہے، تو ہے تو میرا نام ہے، تپتی دوپہر میں نخلستان ہے، تو میرا پاکستان ہے، میری ذات کی پہچان ہے، تو میرا پاکستان ہے.